भगत सिंह आपके हीरो हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह का हीरो कौन था? किसकी फोटो भगत सिंह हमेशा अपने सीने से लगाए रहते थे? किसके दीवाने थे भगत सिंह? कौन था वो शख्स जिससे प्रेरणा लेकर भगत सिंह भी क्रांतिकारी बने? उस महान शख्सियत का नाम था करतार सिंह सराभा। कराए हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये कौन शख्स थे। एक ऐसे शख्स थे जो सिर्फ 19 साल की उम्र में देश की खातिर फांसी पर झूल गए। हो सकता है आपने करतार सिंह सराभा का नाम न सुना, लेकिन करतार सिंह सराभा आजादी के वो नायक थे जिनकी गजल भगत सिंह अक्सर गुनगुनाया करते थे। यही पाओगे, मशर में जबा मेरी बया मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ, है हिंदुस्तान मेरा। देश आजादी का 75वां दिवस मना रहा है, ऐसे में हम आपको करतार सिंह सराभा की कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर उनमें वो कौन सी बात थी कि भगत सिंह भी उनके दीवाने थे। लुधियाना के सराभा गांव में मई 1896 में जन्मे करतार सिंह के पिता की मौत जल्दी ही हो गई थी। दादा ने ही करतार सिंह को पाला। नवी कक्षा पास करने के बाद वे वन विभाग में अधिकारी अपने चाचा के पास उड़ीसा चले गए थे और वही हाई स्कूल पास किया। आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गए। ये जनवरी 1912 की बात है। अमेरिका में उनकी मुलाकात प्रोफेसर लाला हरदयाल से हुई, जो भारतीय छात्रों को आजादी का पाठ पढ़ा रहे थे। गदर समाचार पत्र के पंजाब संस्करण की जिम्मेदारी करतार सिंह सराभा को दी गई। ये प्रथम विश्व युद्ध का वक्त था। बाहर रह रहे भारतीयों में जोश उफान मार रहा था। अक्टूबर 1914 में कई विद्रोही नेताओं के साथ करतार कोलंबो के रास्ते कलकत्ता और वहां से पंजाब पहुंचे। रास बिहारी बोस के अमृतसर आने के बाद 12 फरवरी 1915 को हुई क्रांतिकारियों की एक बैठक में ये फैसला लिया गया कि 21 फरवरी से विद्रोह शुरू किया जाएगा। इस बीच एक मुखबिर ने सरकार को क्रांतिकारियों के प्लान की जानकारी दे दी। विद्रोह विफल हो गया, कुछ क्रांतिकारी अफगानिस्तान भाग गए, लेकिन करतार सिंह को भागना मंजूर नहीं था। वो गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत में 19 साल के करतार सिंह ने जो कहा वो आजादी के लिए लड़ रहे दीवानों के लिए किसी मशाल जलाने जैसा था। अदालत में करतार सिंह ने कहा, सबको विद्रोह करने का अधिकार है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ा होना अपराध नहीं हो सकता, मैं भारत में क्रांति लाने का समर्थक हूँ, मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मेरा जन्म फिर से भारत में होगा और मैं मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए काम कर सकूंगा। उनकी इस बात को सुनकर जज स्तब्ध थे, लोग हैरान थे। जज ने करतार सिंह को एक मौका देते हुए अपना बयान बदलने को कहा, लेकिन करतार सिंह सराभा अपनी बात पर कायम रहे। 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई, लेकिन वो आजादी की अलख जगा चुके थे। भारत में जब भी क्रांति की बात आती है तो भगत सिंह का नाम जुबान पर सबसे पहले आता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगत सिंह से पहले भी भारत का एक लाल था जो क्रांति का समर्थक था और भारत की आजादी के लिए फांसी पर लटक गया। अंग्रेजों के सामने झुका नहीं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर भगत सिंह भी क्रांतिकारी बने और वो भी हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।